हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन ग्लोबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम आपको ग्लोबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की रीजनिंग की क्लास में क्लॉक के चैप्टर में पीरियड सेकंड में मिनट हैंड तथा हावर हैंड के बीच एंगल विस्तार पूर्वक ज्ञात करना सिखाएंगे। आइए सबसे पहले हम एक पर्टिकुलर समय लेते हैं, जैसे कि हमारे पास समय है एक बजे। घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच एंगल निकालने के लिए हम घंटे वाले अंक को 5 से गुना करेंगे। 5 एकम 5, डिफरेंस 0, मल्टीप्लाई 6, क्योंकि एक मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए हम यहाँ पे 6 से गुना करेंगे। 5 चंग 30, तो 1 बजे मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का होगा। अब हम 2 बजे मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच एंगल निकाल रहे हैं, तो 2 को हम 5 से गुना करेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 डिफरेंस 0 गुना 6 इजकल टू 60 डिग्री। इसी प्रकार 3 बजे हम एंगल निकाल रहे हैं आवर मिनट, तो 3 को हम 5 से गुना करेंगे, 3 5 15 डिफरेंस 0 गुना 6 इजकल टू आ गया 90। अब हम 4 बजे एंगल फाइंड करेंगे आवर मिनट, तो 4 5 20 difference 0 गुना 6 20 का 120। यदि समय पूरा दिया रहता है तब हमें हावर हैंड वाले अंक को केवल 30 से गुना करने पर एंगल बिल्कुल ठीक ज्ञात हो जाएगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, यदि हमारे पास समय पूर्ण रूप से ज्ञात हो तब हम हावर के अंक को 30 से गुना करके बिल्कुल ठीक एंगल निकाल सकते हैं। ये हमारे पास केवल 1 सेकंड में ही एंगल ज्ञात हो जाएगा। जैसे 1 बजे एंगल निकालना है तो 1 बजे घंटे वाली सुई 1 के अंक पर होगी और मिनट वाली सुई केवल 12 के अंक पर 0 मिनट पर होगी। 1 गुना 30 बराबर 30 डिग्री, 2 गुना 30 बराबर 60 डिग्री और 3 गुना 30 बराबर 90 डिग्री, 4 गुना 30 बराबर 120 डिग्री, 5 गुना 30 बराबर 150 डिग्री, 6 गुना 30 बराबर 180 डिग्री और 7 गुना 30 बराबर 210 डिग्री। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, यदि हमें समय पूर्ण रूप से ज्ञात हो तब हम केवल घंटे वाले अंक को 30 से गुना करके एंगल बिल्कुल ठीक कम से कम समय में 1 सेकंड से कम समय में भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि समय 1 बजा है तब हमारे पास एंगल 1 गुना 30 बराबर 30 डिग्री, यदि समय 2 बजा है तो 2 गुना 30 बराबर 60 डिग्री, यदि 3 बजा है तो 3 गुना 30 बराबर 90 डिग्री, यदि 4 बजा है तो 4 गुना 30 बराबर 120 डिग्री, यदि 5 बजा है तो 5 गुना 30 बराबर 150 डिग्री, यदि 6 बजा है तो 6 गुना 30 बराबर 180 डिग्री, यदि 7 बजा है तब 7 गुना 30 बराबर 210 डिग्री। इसी प्रकार हम 8 बजे 9 बजे 10 बजे और 11 बजे घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच केवल 30 से गुना करके एंगल ज्ञात कर सकते हैं, किंतु 12 बजे एंगल 0 डिग्री का ही रहेगा। फ्रेंड्स, अब हम ऐसा समय ले रहे हैं जिसमें घंटे और मिनट की सुइयां केवल एक ही अंक पर होगी, तब एंगल ज्ञात करने के लिए आपको केवल मिनट को 2 से भाग करना होगा। देखिए, जैसे कि हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम है 1 बजकर 5 मिनट पर मिनट और हावर हैंड एक ही अंक पर रहेंगे, तब हम हावर हैंड को 5 से गुना करेंगे, 5 एकम 5 डिफरेंस 5, 5 एकम 5 डिफरेंस 5 गुना 6 प्लस 5/2
तब हम केवल और केवल मिनट वाले अंक को मिनट को दो से भाग करेंगे, ये हमारा जीरो हुआ, जीरो प्लस 5/2 इजिकल टू 2.5 डिग्री, या 2 होल इजिकल टू 2 होल 1/2 डिग्री, या 0.5 डिग्री। इसी प्रकार हम 2:10 पर एंगल ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि आवर हैंड मिनट हैंड के इक्वल है, तब हम केवल और केवल मिनट को दो से भाग करेंगे, 2 × 5 = 10 हुआ, 10 × 6 + 10/2 ये 0 हुआ, प्लस 10/2 5 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी प्रकार 3:15 पर ये हावर एंड ये मिनट हैंड, हावर एंड को हम 5 से गुना करेंगे, 3 × 5 = 15 डिफरेंस 15 × 6 + 15/2 0 + 15/2 ये हुआ 7.5 डिग्री, या 7 होल 1/2 डिग्री। इसी प्रकार हम 4:20 पर एंगल निकालेंगे, तो हावर एंड और मिनट एंड दोनों एक ही अंक पर होंगे, 4 के अंक पर, तो 4 × 5 = 20 डिफरेंस 20 × 6 + 20/2 20 ये हुआ 0 + 10 20/2 10 डिग्री, ये हमारे पास 10 डिग्री आंसर आ गया। 4:20 पर घंटे तथा मिनट वाली सुइयों के बीच 10 डिग्री का एंगल होगा। फ्रेंड्स, इससे यह निष्कर्ष निकलता है, यदि घंटे तथा मिनट की सुइयां दोनों एक ही अंक पर हो, तब हम केवल और केवल एंगल ज्ञात करने के लिए मिनट के अंक को दो से भाग करेंगे, इससे हमारे पास 1 सेकंड से कम समय में भी आंसर ज्ञात हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम ऐसा समय ले रहे हैं जिसमें मिनट हैंड हावर हैंड से आगे होगा, तब हमारे पास चिन्ह माइनस का होगा, जैसे कि हमारे पास समय है 1:15 1:15 में एंगल ज्ञात करना है, तो हम 1 के अंक को 5 से गुना करेंगे, 5 × 5 डिफरेंस 15 × 6 + क्योंकि मिनट हैंड हावर एंड से बड़ा है, तब हमारे पास मिनट बाय 2 माइनस करना होगा, तो 15 × 5 = 5 × 10 × 6 = 60 − 15/2 7.5 ये हुआ 60 − 7.5 डिग्री, ये हमारे पास आ गया 52.5 डिग्री। फ्रेंड्स, अब हम समय ले रहे हैं 2:20 पर, तब हम हावर एंड को 5 से गुना करेंगे, तब हम हावर एंड को 5 से गुना करेंगे, 2 × 5 = 10 डिफरेंस 20 × 6 − 20/2 ये हुआ 10 × 6 − 10 = 60 −10 = 50 डिग्री। फ्रेंड्स, अब हम समय ले रहे हैं 3:25 हावर हैंड मिनट हैंड से पीछे होगा, क्योंकि मिनट हावर से बड़े हैं, इसलिए 3 × 15 डिफरेंस 25 × 6 − 25/2 ये हुआ 10 × 6 − 12.5 ये हमारे पास 60 − 12.5 डिग्री, ये आ गया 47.5 डिग्री। फ्रेंड्स, अब हम 4:30 पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कौन ज्ञात करेंगे, तब मिनट हैंड 6 पर होगा, कौन ज्ञात करेंगे, तब हावर हैंड 4 के अंक पर होगा और मिनट हैंड 6 के अंक पर होगा। अब हावर हैंड को हम 5 से गुना करेंगे, 4 × 5 = 20 डिफरेंस 30 इजिकल टू 10 × 6 − 15 ये हुआ 60 − 15 इजिकल टू आ गया हमारे पास 45 डिग्री। फ्रेंड्स, इससे यह निष्कर्ष निकलता है, यदि मिनट हैंड हावर हैंड से आगे है, तब हम एंगल निकालने के लिए हावर डिफरेंस मिनट मल्टीप्लाई 6 − मिनट / 2 फॉर्मूला की हेल्प से एंगल फाइंड करेंगे। फ्रेंड्स,
अब हम हावर एंड और मिनट एंड के बीच एंगल दिया रहने पर एक्यूरेट समय कैसे ज्ञात करते हैं ये सिखाएंगे, क्योंकि मिनट हैंड हावर एंड से 60 मिनट में 55 मिनट आगे निकल लेती है। इसीलिए 55 मिनट आगे चलती है मिनट वाली सुई 60 मिनट में, 1 मिनट आगे चलेगी 60/55 अर्थात 12/11 मिनट में। इसके लिए आपको केवल मिनट वाले समय को 12/11 से गुना करना होगा, जैसे कि आप संपाती घड़ी की दोनों सुइयां 1 बजे से 2 बजे के बीच संपाती कब होगी या 0 डिग्री का एंगल कब बनाएगी। जैसे हम जानते हैं घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई यदि दोनों 1 के अंक पर होगी तब वे दोनों संपाती होगी, परंतु यह एक्यूरेट समय नहीं है। इसके लिए हम मिनट वाले समय को 12/11 से गुना करेंगे तो 1:12:60/11 मिनट बराबर हुआ 1:11:55 सही 5/11 मिनट। इसी प्रकार 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां संपाती कब होगी। इसके लिए घड़ी की दोनों सुइयां 2 के अंक पर आएगी, परंतु यह एक्यूरेट समय नहीं है। 2:10 एक्यूरेट समय नहीं है। इसके लिए हम समय मिनट को 12/11 से गुना करेंगे। अब हमारे पास समय आ गया 2:120/11 मिनट। ये समय हुआ 2:10/11 मिनट। इसी प्रकार हम 3 बजे से 4 बजे के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, अर्थात घड़ी की दोनों सुइयां 3 के अंक पर होगी। इसके लिए 3:15 का समय होना चाहिए, परंतु यह एक्यूरेट समय नहीं है। अब हम मिनट वाले समय को 12/11 से गुना करेंगे। ये समय हुआ 12:50 12 + 12 और 6 = 18 3:180/11 मिनट। ये हुआ 3:11:11 7 11 + 66 4 16 = 4/11 मिनट। इसी प्रकार 3 बजे से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का एंगल अर्थात संपाती कब होगी। इसके लिए 3:15 होना चाहिए, परंतु यह समय एक्यूरेट समय नहीं है। इसके लिए हम केवल मिनट वाले समय को 12/11 से गुना करेंगे, जिससे हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट समय ज्ञात हो जाए। अब हमने 12/11 की 15 में गुना किया तो 3:180/11 मिनट हुआ। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 11 + 11 = 7 70 11 + 66 = 4/11 3:16 = 4/11 मिनट। ये हमारे पास एक्यूरेट समय होगा। फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम आगे के समय भी ज्ञात कर सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। मिनट के लिए सिंगल डैश सिंबल है। मिनट का प्रतीक सिंगल डैश, सेकंड का प्रतीक डबल डैश, घंटे का प्रतीक एच, डिग्री और अंश के लिए डिग्री का सिंबल और रेडियन के लिए सी सिंबल है। और मिनट वाली सुई, फ्रेंड्स, मिनट वाली सुई 60 मिनट में केंद्र पर कोण बनाती है 360 डिग्री। फ्रेंड्स, मिनट वाली सुई 60 मिनट में केंद्र पर कोण बनाती है 360 डिग्री। इसलिए 1 मिनट में केंद्र पर जो कोण बनाती है वह 360/60 = 6 डिग्री। इसी प्रकार घंटे वाली सुई 12 घंटे में घड़ी के केंद्र पर कोण बनाती है 360 डिग्री। इसलिए 1 घंटा = 60 मिनट में केंद्र पर जो कोण बनाती है वो 360/12 = 30 डिग्री।
अब एक घंटे में 60 मिनट होती है, एक मिनट में कोण बनाएगी केंद्र पर बराबर 30/60 बराबर 1/2 डिग्री। फ्रेंड, इससे पहले लेक्चर में हमने आपको कोण के बारे में एक्सप्लेन किया था। कोण बराबर होता है आवर डिफरेंस मिनट मल्टीप्लाई में 6 प्लस माइनस मिनट बाय 2। यदि आवर बड़ा है मिनट से तब पॉजिटिव चिन्ह लिया जाएगा, और यदि आवर छोटा है मिनट से तब नेगेटिव चिन्ह लिया जाएगा। फ्रेंड्स, मिनट वाली सुई एक घंटे में मिनट तय करती है बराबर 60 मिनट, इसलिए घंटे वाली सुई एक घंटे में मिनट तय करती है बराबर 5 मिनट। इस प्रकार मिनट वाली सुई एक घंटे में घंटे वाली सुई से आगे चलती है बराबर 55 मिनट। फ्रेंड्स, इसके अच्छे अच्छे नोट्स लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं तथा वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे कि आपका और हमारा कम्युनिकेशन अच्छी प्रकार चलता रहे और हम आपको अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड करा सके। थैंक यू वेरी मच।